नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बालाघाट पुलिस ने जंगल से बरामद किया मानव कंकाल। पुलिस को मौके से कपड़े और लंबे बाल मिले हैं। पुलिस को युवती का कंकाल होने की आशंका है। परिजनों ने कपड़े से की युवती की पहचान। 25 जून से लापता थी युवती। जंगली जानवर द्वारा शव को खाने की संभावना है। रूपझर थाना के उसकार चक्र गांव के जंगल का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शौकत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शौकत, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किसका शव बताया जा रहा है, जो कंकाल मिला है उसको लेकर क्या शिनाख्त हो पाई है? देखिए अनन्या, अभी शौकत जो मानव कंकाल बरामद हुआ है उसकी शिनाख्त तो नहीं हुई है, लेकिन एक परिजन जरूर सामने आया है। उसकाल चक्र गांव का ही रहने वाला है। चूंकि ये घटनाक्रम पूरा रूपझर थाना क्षेत्र के सोने वाली पुलिस चौकी के उसकाल चक्र जंगल का है, तो वहां का एक परिवार सामने आया। उनका कहना है कि उनके बुकड़े के अनुसार उन्हें पहचान की कि उनकी बेटी है जो 25 जून से लापता थी। लगभग 19 वर्ष की लड़की है जो लापता थी। हालांकि पुलिस में ने इसकी गुमशुदगी की भी दर्ज नहीं कराई है। कपड़े और उसके बाल के अनुसार यह भी संभावना जताई जा रही है कि लड़की ने पहले फांसी लगाई होगी या उसके साथ अनैतिक कृत्य भी हुआ होगा, लेकिन बाद में यह जरूर उसका कंकाल और हड्डियां मिली है। तो यह भी आशंका जताई जा रही है कि जंगली जानवर ने इस बालिका के शव को खा लिया है। चूंकि मानव कंकाल है, यह भी शिनाख्त नहीं हुई है, पहचान नहीं हुई है। एफएलसी जांच के पश्चात ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह कंकाल किसका है। फिलहाल में पुलिस का यही कहना है कि हम मानव कंकाल बरामद किया, लेकिन किसका यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन शौकत आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की किसी युवती के गायब होने की कोई जानकारी या शिकायत वहाँ आसपास के गांव में क्या पुलिस थाने में कराई गई हो, जिससे शिनाख्त हो पाए, कि हो सकता है ये अंदाजा लग पाए कि किसकी बॉडी है ये? फिलहाल में ऐसा कोई शिकायत नहीं आई है सामने, लेकिन जिस परिजन ने यह बातें सामने आई कि उनकी बेटी का कपड़ा है और कपड़ा हो सकता है उन्हीं का है और यह 25 जून से लापता है, तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि क्या यह बालिका का कपड़ा है या बालिका का ही ऐसा हुआ है। चूंकि हड्डी है और कंकाल के रूप में बरामद हुआ है, तो यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यह किसका कंकाल है। जांच के पश्चात स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर यह किसका शव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।